बरेली के पुराना शहर की एक विवाहिता ने देवरों पर कमरे में बंद कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। विवाहिता के थाना जाने की बात कहने पर घर में घुसकर मारपीट की और पति ने 3 तलाक दे दिया। एडीजी जोन के आदेश पर रविवार रात बारादरी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बारादरी थाना पुलिस ने बताया कि पुराना शहर में पीड़िता का निकाह मोहम्मद माहिर के साथ कुछ साल पहले हुआ था। शादी के बाद से ही उसके पति समेत परिजन मारपीट करने लगे। ससुरालियों से रिश्ते कायम करने को कई बार पंचायती समझौता होने पर 1 अगस्त को अपनी ससुराल पहुंचे आरोपी की। इसके 2 दिन बाद ही 3 अगस्त का आरोपी देवर अनस और गौसी कमरे में बंद कर लिया और दोनों ने एक एक कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की शिकायत उसने ससुरालियों से की तो आरोपी सास ने मुंह बंद करने को कहा, साथ ही पति से तलाक दिला देने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद वह अपने मायके आ गई और घर आकर माँ भाई को आप बीती सुनाई। माँ ने उसकी ससुराल में शिकायत करने के बाद थाने जाने की बात कही। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद आरोपी पति अपने भाई गौसी अनस और माँ के साथ घर में घुस आया। इन्होंने मारपीट की और आरोपी पति ने थाने जाने की बात कहते हुए उसे 3 तलाक दे दिया। इस मामले में एडीजी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ससुराली दहेज के लोभी हैं। वह इस मामले की शिकायत करने थाने जाते तो आरोपी जान से मार देते। इसके कारण वह सीधे बचते बचाते एडीजी जोन के कार्यालय पहुंचे हैं और मामले की शिकायत कर